भैया जी सुपर हिट, जी हाँ दोस्तों, सनी देओल की धमाकेदार फिल्म, जी हाँ दोस्तों, जिसके नाम में ही अगर सुपर हिट लगा दें तो भैया जी सामने आते हैं। सनी देओल जिनकी फैन फॉलोइंग कभी ना कम हुई थी ना कभी कम होगी। जी हाँ दोस्तों, आज भी सनी देओल की फिल्में घायल, घातक, गदर हम टीवी पर देखते हैं तो हमारे रिमोट से चैनल आगे नहीं जाते। अब ऐसे ही आज सनी देओल की फिल्म रिलीज हुई है भैया जी सुपर हिट, जो कि कई सालों से अटकी हुई फिल्म थी। हालांकि उनकी पिछले सप्ताह भी एक फिल्म रिलीज हुई थी मोहल्ला 80, वो भी कई विवादों में फंसी हुई थी। वैसे ही एक और फिल्म है भैया जी सुपरहिट, जो कि कभी काफ़ी सुर्खियों में भी चल रही थी। पहले ये फिल्म दशहरे के मौके पर रिलीज होनी थी, लेकिन फाइनली आज ये रिलीज हो गई है। दोस्तों अगर इसके पहले दिन की कमाई की बात करें तो भैया जी सुपरहिट ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 से 3 करोड़ का कलेक्शन करके सभी को चौंका दिया है। फिल्म टक्स ऑफ हिंदुस्तान के खराब प्रदर्शन का सीधा सीधा फायदा सनी पाजी को हुआ है, जहां पर इस फिल्म ने पहले दिन ही धमाकेदार कमाई करके दिखा दिया है कि सनी देओल की फैन फॉलोइंग अभी भी काफी अच्छी है। दोस्तों आपको बता दें, भैया जी सुपरहिट एक शानदार कॉमेडी फिल्म है जिसको मिले जुले रेस्पॉन्स दर्शकों द्वारा मिल रहे हैं, क्योंकि एक कॉमेडी फिल्म दर्शकों को हंसाने में कामयाब हो रही है। सनी देओल की इस साल रिलीज हुई ये तीसरी फिल्म है, यमला पगला दीवाना फिर से, मोहल्ला 80 और अब ये फिल्म भैया जी सुपरहिट। तो दोस्तों पहले दिन का कलेक्शन तो इसका सही रहा, वीकेंड होते होते ये फिल्म और भी अच्छी कमाई कर सकती है। फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए है, जो कि शायद ये निकाल लेगी। लेकिन दोस्तों फिल्म को कमाने के लिए महज 7 ही दिन मिलेंगे, क्योंकि फिल्म रिलीज हो जाएगी रोबोट 2.0, जिससे कि भैया जी सुपरहिट के पास जितनी भी स्क्रीन है सारी गायब हो जाएगी। तो देखना ये होगा कि 7 दिन के अंदर भैया जी और कितनी कमाई कर पाते हैं। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट में बताइए आपको ये कैसी लगी, और सनी देओल के क्या आप भी फैन हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब दें और सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।